किए हुए थे हम, तो वहाँ पर उन्होंने आए हुए थे, सिविल कपड़ों में थे, और एक थी SHO मिसबा थी, तो वो घूम रहे थे, देख रहे थे। तो फिर हमारे पास ऑप्शन थी कि हम यहाँ तो पीछे से पिछले रास्ते से निकल जाते या गिरफ्तारी देते। तो फिर सनम ने और मैंने मशवरा किया, उसने कहा जी पीछे से तो निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और मैं KPK का कह रहे थे कि निकल जाएं, पहले लोग कह रहे थे, तो उसने मैंने डिसाइड किया था KPK नहीं, हम लाहौर ही जाएंगे, क्योंकि हमने बेल ली है, हम कोई टेररिस्ट थोड़ी हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी तोड़ा हमने, तो हमने ये डिसाइड किया था कि लाहौर जाएंगे। मीन वाली पुलिस आ गई, तो हमने कहा जी नहीं, हमने तो पिछले गेट से नहीं जाना, तो हम इनसे पूछ लेते हैं क्या करते हैं। तो यहाँ पे कल आपने जिस बहादुरी के साथ आपने, आपके वकील ने, सनम बुखारी साहिबा ने पुलिस वालों को दूर से बुलाया, आ जाएं आपने गिरफ़्तार करना है। मैं देख सा रहा था वहाँ पर एक SHO साहब थे, शाहिद जमान साहब, यूनिफॉर्म में नहीं थे, विदाउट थे, उस वीडियो में नज़र आ रहा था। इस बहादुरी के साथ गिरफ्तारी थी, लोग तो भाग जाते हैं, पिछले घर से भाग जाते हैं निकल के। यार हम अब खान साहब के ये जो स्टांस है उस पर खड़े हुए हैं, तो हमें क्यों भागना है या क्यों घबराना है, हमें कोई क्राइम थोड़ी थोड़ा है, दहशत थोड़ी है हम कोई, तो ठीक है ये जो कर रहे हैं करते जाएँ। और तारीख किसी को माफ़ नहीं करती, तारीख याद रखेगी हर करेक्टर को। हाँ जो तारीख दान होगा जिस तक जब वो तारीख लिखेगा, अभी जो पिछले 2 साल में हुआ है इतना मवाद है लिखने के लिए, मुझे ये है, मुझे सिर्फ एक कंसर्न है कि वो लिखेगा कैसे, तो उसके पास मवाद बहुत है लिखने के लिए जो पिछले 2 सालों में। कल बातचीत क्या हुई जाते हुए चैम्बर में, अली इशफाक साहब के ऑफिस में क्या बात हुई सनम बुखारी साहिबा से? बात कोई नहीं, बात ये थी कि डिफरेंट जो कॉल्स आ रही थी, सारे कह रहे थे KPK चले जाएँ, KPK चले जाएँ, तो हमने कहा था KPK नहीं, हम लाहौर जाएँगे, हमने कोई छुपना नहीं है, हम क्यों छुपते रहें, क्यों भागें, तो हम मुकाबला करेंगे, हम लाहौर जाएंगे, और बाकी अल्लाह खैर करेगा, ठीक है। साद रफीक साहब ने कल ट्वीट किया है, बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे, उस ट्वीट से ट्वीट को किस पैराए से लेंगे आप? यार मतलब बेशर्मी की एक हद होती है, और वो हद मेरा ख्याल है एक पर्चे पर ख़त्म हो जाने चाहिए औरतों के। तो अब कोई 12-13 पर्चे कर लिए, 3 डिटेंशन ऑर्डर्स हैं, 14वां हो गए उसको, तो शर्म तो पहले ही आ जानी चाहिए थी, और साद रफीक साहब को भी थोड़ी देर पहले ही पता चल जाना चाहिए था। अब उनका केस नहीं है, तो बात ठीक है, उन्होंने कर दिया ट्वीट उनकी अपनी। क्या प्लान है अगर बलोचिस्तान लेके जाया जाता है, पुलिस गिरफ्तार करती है? जिस खबर तो यही है कि इस्लामाबाद पुलिस के पास कुछ नहीं है, पूरी रात कोशिश की है, नैब को देने की कोशिश की है, नैब ने भी इनकार कर दिया, ये खबर तो आपके पास भी होगी? जी रात को खबर आई थी कि नैब वालों को देने की कोशिश कर रहे हैं, नैब वालों का भी हम क्यों नहीं, हमारे पास तो कुछ नहीं है, तो आप खुद भी बेइज्जती करवा रहे हैं अपनी, हमारी भी करानी है मजीद, तो उन्होंने से इनकार कर दिया था, सुना यही है। अब देखें जो भी करेंगे, हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, फेस अगर यहाँ से बलोचिस्तान लेके जाते हैं, आप यहीं से बलोचिस्तान मूव करें? जी ऑब्वियसली जाना तो है, ये पीछे लगे मेरी अपनी डेट है, मैं खुद अरेस्ट रहा हूँ, मेरी ट्रायल की डेट है 18, तो मैं शायद ना जाऊँ, उसके फादर जाएंगे साथ, और मैं फिर डेट वो यहाँ से करवा के। क्या हालात हैं घर में, वो जब देखती हैं वालदा को पुलिस इतनी बड़ी तादाद में लेके जाती है, तो क्या तासुरात हो? यार ठीक है, बच्चे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रांग हैं। अब कल बच्चों से जब बात हुई थी, तो उनको ज़रा एक्सपेक्टेशन हो गई थी कि वालदा आ रही हैं, घर आ रही हैं, तो एक्साइटमेंट थी। अब उसके बाद मेरी बात नहीं हुई बच्चों से। ठीक सब लगता यही है कि सनम जावेद साहिबा कोर्ट्स में या थानों में घूम घूम गई, जब बाहर निकलेगी तो वो MNA होगी, क्योंकि इमरान खान साहब ने कह दिया कि उनको MNA का टिकट देना है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा यार मुझे तो नहीं पता कि खान साहब ने क्या कहा है, लेकिन जो भी करना है ये खान साहब के करने वाले काम है, ये हमारे करने वाले काम नहीं है। हमारा जो करने वाला काम है वो हम कर रहे हैं, खान साहब ने झुका हुआ है उस पर स्टैंड करके खड़े हुए हैं, तो हर इंसान को अपना काम करना चाहिए, वर्कर को अपना काम करना चाहिए, जो लीडर है, जो डिसीजन मेकर्स हैं, जिन्होंने ये डिसीजंस करने हैं, वो उनका काम है, वो उनका करें, वो हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि वो जो पार्टी का काम है वो पार्टी करेगी, जो हमारे वर्कर्स का काम है वो हम कर रहे हैं। आपने भी अपनी बीवी के साथ ही कमों पर 7.5 माह जेल काटी है, कल आपकी मुलाकात हुई है, गाड़ी में आप साथ मौजूद थे, क्या उनके हौसले हैं, क्या वो घबरा तो नहीं गई? यार घबराना क्यों है, मतलब अल्लाह की तरफ से आती मुश्किल, इंसान के पास की बात नहीं है, इंसान जो मर्जी कर ले, इंसान की औकात कोई नहीं, इंसान को तो अपने अगली सांस का नहीं पता होता, तो अल्लाह की तरफ से आती है, तो अल्लाह बर्दाश्त भी दे देता, अल्लाह उतने ही बोझ डालता जितना इंसान उठा ले, तो बाकी अल्लाह खैर करेगा। अब हमने ABS फाइल कर दी है लाहौर हाई कोर्ट में, वहाँ पर करके आए हैं, क्योंकि हमें नहीं पता क्यों डिफरेंट यूनिवर्सिटी 3 MPU पर पकड़ ली, 3 MPU पर कह रहे थे, तो 3 MPU पर तो पहले DC इस्लामाबाद फारिग हुआ बैठा हुआ, तो वाजे कम आते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो वो तो हमें नहीं लगता था वो आउट ऑफ क्वेश्चन है। फिर उनके पास नैब वालों को इन्होंने पूछा, रात को खबर आ रही थी, तो नैब वालों ने मिले कोई केस करने से इनकार कर दिया, तो अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी, तो मेरा ख्याल है कि अब सुना है कि बलोचिस्तान पुलिस को ये दे रहे हैं, तो यहाँ पर अभी पेश करेंगे, तो अभी हम वहाँ पर ABS फाइल करते हैं।